सर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग 12th एसपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कौन सा है सर? तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, क्या क्वेश्चन है? स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो सर और मैडम, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एनी 2 लिखने हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम कैसे, मैं आपको ये सेशन में आगे लेके जाने वाला हूं, वो सुनिएगा। सर मैंने आपको कहा था कि पहले 5 चैप्टर एसपी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 60 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। यस और नो, इसके डिस्टिंग्विश हमने कर लिए हैं। अब इन 5 चैप्टर के करीब करीब 9 से 10 या उससे भी ज्यादा केस स्टडीज दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक के नीचे, जो भी क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव। अब मैं क्या करने वाला हूं इस सेशन में, हर केस स्टडी को डिस्कस करूंगा। तो आप अभी देखोगे तो आपको अभी समझेगा ही, नहीं तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आधे घंटे का वीडियो भी आपने देख लिया राइट, तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों जैसे कि मैं हर बार आपको एक नए नए स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट तरीके से मैं आपको आगे लेके जाता हूं। मैंने कहा है कि इन 5 चैप्टर में से आपको जो टेक्स्ट बुक में, मतलब पेपर में, आपके कोई भी 3 में से 2 केस स्टडी लिखने राइट, और उन 3 में से मुझे जितना लग रहा है इन 5 चैप्टर में से ही 2 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो सर क्या मैंने आपके 6 मार्क्स खत्म कर दिए? यस सर। तो केस स्टडी का जो टेंशन था बच्चों को, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या सर, आप जो बता रहे हो टेक्स्ट बुक के नीचे के ही केस स्टडीज आएंगे क्या? तो आंसर इज यस, 99.99% यही सवाल आते। हो सकता है थोड़ा नाम वाम चेंज कर दे, लेकिन बिना पढ़े जाने से बेटर है कुछ पढ़ के जाओ, और यही अगर आ गया तो आउट ऑफ मार्क्स लेके आओ। सो बेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया दोस्तों कि क्या होने वाला है। जैसे कि यहां पे पब्लिक सर्विस यूटिलिटी वर्ड दिया हुआ है राइट। अब ये क्या होता है, तो मैंने कुछ इमेजेस से आपको दिखाया है, उसमें वन ऑफ द सर्विस क्या, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो राइट। पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में इतने सारे सर्विस आते हैं, पोस्टल, सैनिटाइजेशन, केबल टीवी, वाटर, नेचुरल गैस, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन देखते हैं क्या है। तो केस स्टडी के हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे एकदम प्रॉपर आगे लेके जाऊंगा। 6 मार्क्स का सवाल है, लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो दिक्कत दे रहा है बच्चों को राइट। तो बिना समय गवाए चैप्टर नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। चलो तो भाई और बहनों हो जाओ तैयार, अब आपके जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम चालू हो रहा है। मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आपके दिमाग में जो भी थॉट चल रहे होंगे साइड में रखो उसे राइट। तो चलो पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका चालू होता है। हम रीड करते हैं पहले तो क्या कहा हुआ है। सर द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो कौन सा सर्विस आ गया, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आ गया कि नहीं? यहां पे देखो इतने सारे सर्विसेस है, वन ऑफ द सर्विस उन्होंने दिए। ओके सर, वांट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर पहले चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट मैंने इंपॉर्टेंट कही थी, कौन सा सर? एक फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट नोट्स आता तो लिखते आ जाता सर, लेकिन उन्होंने कहा है कंपनी को डिटरमाइन करना है कि कितना वर्किंग कैपिटल उन्हें लगेगा। यस सर नो, 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला 1 मार्क को 1 रहेगा, बराबर है ना, मतलब 3-3 दिया है, 6 मार्क्स एनी 2 लिखने हैं, और 1 क्वेश्चन को 3 मार्क्स है, और यहां पे एबीसी 3 क्वेश्चन दिए। तो देखते हैं, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, अब आपको इसका मतलब समझ गया होगा, विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर, एक सवाल है क्या उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा या कम? अगर आप सही आंसर देते हो 1 मार्क्स जेब में। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, अब देखो ऊपर नाम क्या है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, लेकिन वो किस में आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर में, इसीलिए विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल, 2 बातें पूछी है, क्या उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, दूसरा क्या उन्हें फिक्स कैपिटल ज्यादा लग सकता है क्या। ओके तीसरा सवाल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस, और उन्होंने कहा है कि आप भी एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। 3 मार्क्स हाथ के मार्क्स है, अगर जिसने ये पढ़ा रहेगा एक बार इसके साथ डील किया होगा 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सर पहले सवाल पे जाते हैं, क्या बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, यह रहा आपका आंसर। यस सर, आंसर इज बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल हैव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इट्स कस्टमर एंड हिंस विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। सर उनके पास देखो डेली बेसिस पे कैश का फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस फ्लो, अंडरलाइन कीजिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इट्स कस्टमर,
मतलब रूटीन पे पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि भाई पैसे की बहुत किल्लत हो रही है उनको। तो इसीलिए वहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेस या मोर, तो आंसर इज लेस वर्किंग कैपिटल, आपका एक मार्क डन हो गया। रीजन क्या था, कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है उनके पास। दूसरा, क्या फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा क्या, शुरुआत भी कैसे करनी लिखने की, देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बताऊंगा। बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, इट विल हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन फिक्स्ड असेट एंड हिंस विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। यस सर, यहां पे देखो ना, मतलब आप यहां पे अगर यूटिलिटी सर्विस देखोगे तो मुझे पोस्टल सर्विस है, मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, उसके बाद वेस्टेज डिस्पोजल है, ये जो बड़े बड़े काम करने, तो उनके लिए बड़े बड़े मशीनरीज तो लगेंगे, यस और नो? और मशीनरीज अगर लगेंगे तो मेरा फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा सर। तो लर्न क्या किया, रटा क्या हमने, सिंपल सी बात थी, उन्होंने पूछा फिक्स कैपिटल ज्यादा लगना है कि कम, आंसर लिख रहे हो, इट विल हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन फिक्स असेट्स, दैट्स व्हाई क्या ह्यूज, और इट विल नीड व्हाट, मोर फिक्स कैपिटल। दो क्वेश्चन खत्म, दो मार्क्स डन। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। उन्होंने क्या कहा है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इतना मारेंगे पकड़ के दोस्तों, एक स्मार्ट बंदा रहेगा वो तो अपने आप इस चीज को, मतलब आप समझ रहे हो क्या, उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था, ये देखो सर क्वेश्चन में ही दिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और देखो आप बच्चे कितने शान है, एक एग्जाम्पल वही लिख दिया। सर और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो सर, नेचुरल गैस, वाटर, और जो भी है, ठीक है, वो वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी बातें आप लिख सकते हो, लेकिन हम जाते सजेस्टेड आंसर के साथ, तो उन्होंने वहां पे दिया है। तो मेरे दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन खत्म। चलो मैं इतना परफेक्ट करा के दूंगा, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट चैप्टर नंबर वन का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म, अगर आता है तो 3 में से 3 मार्क्स चाहिए मुझे। बताओ कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दिया है आपको, वेस्टेज डिस्पोजेशन कहा जाता है, तो भी आप क्या लिखोगे, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, वर्किंग कैपिटल लेस और मोर, लेस, फिक्स कैपिटल मोर, और उसके बाद एग्जांपल वही दे देना जो आपको यहां पे दिया है। डन सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा फिर। अ कंपनी इज प्लानिंग टू इनहांस मतलब इंप्रूव करना है इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इज इवेल्युएटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज 2 करोड़ और हैज अल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। अच्छा सर, ओके सर, ध्यान दो, कंपनी को नया मशीनरी अगर खरीदना है मेरे दोस्तों तो कितना पैसा लगने वाला है सर, 2 crore लगे गए, ओके, और उनके पास दूसरा ऑप्शन है लीज वाला, लीज मतलब फॉर एग्जांपल रेंट पकड़ लो, तुमको सिंपल भाषा में बताता हूं मैं, पहले क्वेश्चन समझो, यहां पे बहुत बच्चे क्वेश्चन समझने में गलती कर रहे, एक बार क्वेश्चन समझ गया ना भाई और बहनों, फिर तुम्हारा टेंशन 0% हो जाएगा। वापस पढ़ू मैं एक बार, ध्यान दो, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, यहां तक समझा कि किसी कंपनी को अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। इज इवैल्यूएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज 2 करोड़ और वो इस पे सोच रही है कि क्यों ना हम नया मशीनरी खरीदे जिसका कॉस्ट कितना है, 2 crore है, 2 करोड़ का है, या फिर और दिया देखो, और हैज अल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस, या फिर उनको ऐसे कि कोई रेंट पे ले लिया जाए, एक तो 2 crore का परचेस करो, नहीं तो लीज पे लो, तुमको समझे, इसलिए मैं रेंट यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी, बताओ कौन सा असेट रहेगा। दूसरा, कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ओके, डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, 3 सवाल है, तीनों के आंसर देखते हैं। चलो सर, ये रहा आपका आंसर, यस सर, मशीनरी कौन सा असेट, एज व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी, मशीनरी इज फिक्स असेट सर, बिना देखे भी बच्चे बता देंगे, 1 मार्क्स हाथ में आ गया सर, क्यों, एक बार सिर्फ पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिक्स असेट आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, वाई फिक्स असेट, उसका भी आप एक में से एक चाहिए तो आप पूरा उसको एक्सप्लेन कीजिए। मशीनरी इज फिक्स असेट बिकॉज फिक्स असेट्स आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। दूसरा पॉइंट, दिस असेट्स आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल। 3 बातें बताई आपने, ध्यान से, रेगुलर लेक्चर है इसलिए बहुत धीरे से बता रहा, समझो कि सर पहला पॉइंट तो है कि ये फिक्स असेट है,
क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर टाइम के लिए क्या है, बिजनेस में है। और तीसरा, क्योंकि हम इसे रीसेल के लिए नहीं ले रहे, हम लोग अपने प्रोडक्शन के लिए ले रहे, दैट्स व्हाई इट इज फिक्स्ड असेट सर, एक में से एक मार्क्स डन, व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी, खत्म सर। दूसरा, कैपिटल इज यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अभी अभी हमने देखा ना, तो लिखो कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज अंडरलाइन फिक्स कैपिटल, वापस एक में से एक मार्क्स आपकी जेब में आ गया। इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल सर? देखो, फिक्स असेट अलग था, आप क्या बोल रहे हो, फिक्स कैपिटल। तो क्या कहा, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग विच असेट, फिक्स असेट, दैट्स इट। लर्न हुआ आपको? बोलो दो मार्क्स, कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, तो इट इज फिक्स कैपिटल। व्हाई? बिकॉज इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग विच असेट, फिक्स असेट, खत्म। डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, बताओ मेरे दोस्तों। Yes, तो आंसर इज यस सर, द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट, वेयर द फर्म कैरी आउट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, सिंपल सी बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन द ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, खत्म। तो जितना बिजनेस का साइज बड़ा रहेगा, उतना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। इसीलिए अगर कोई आपको पूछे इस सवाल में कि डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, आंसर इज यस, जितना ज्यादा लार्ज स्केल बिजनेस, उतना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के जो दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने खत्म किए। आपको यहां पे अगर स्क्रीनशॉट निकालना है आप निकाल सकते हो, आपको पूरा प्रॉपर देखना है आप देख सकते हो, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस है करके। कोई डाउट चैप्टर नंबर 1 में? नहीं सर। चलो अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे जो पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है सर पहला क्वेश्चन? द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी, अरे डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर ऑफ 1819 रिवील्स, क्या दिखा रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख एंड रिटेन अर्निंग 50 लाख। ओके मेरे दोस्तों, आपको दो तरह के असेट, दो तरह के कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल बताया था मैंने, क्या आपको याद है क्या? यस सर। ओन्ड कैपिटल क्या रहता है? शेयर्स रहते हैं, रिटेन अर्निंग रहता है, शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस, ओके। और बोरोड में डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, अलग अलग बातें थी। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, दोनों बातें क्या है, ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल है। आप कहोगे सर पहले तो इक्विटी शेयर दिया है, ओके, और दूसरा रिटेन अर्निंग दिया, दोनों क्या है, ओन्ड कैपिटल है, और दोनों का अमाउंट कितना मिला के हो जाता है 75 लाख। पहला सवाल, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड, क्या लगता है आपको, देखेंगे। दूसरा सवाल, कैन द रिटर्न अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, क्या रिटर्न अर्निंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बताता हूं। तीसरा सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटर्न अर्निंग इज, सर ये तो बिना मतलब क्या बोलूं मैं, इतना सिंपल है, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ओन्ड है या बोरोड है, बोलो ना, ओन्ड सोर्स है सर, इंटरनल सोर्स, समझ में आ रहा है, तीनों के आंसर देखेंगे, डोंट वरी। चलो सर आंसर पे जाते हैं हम लोग, आपका आंसर चालू हुआ ये सर, क्या है पहला, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड, आंसर इज यस, लेकिन सिर्फ यस लिख के एक में से एक मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं सर, आगे और एक्सप्लेन करेगा करना पड़ेगा। सिंस द कंपनी हैज सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल इज 25 लाख एंड रिटर्न अर्निंग इज 50 लाख, इट कैन बी कॉल्ड एज फाइनेंशियली साउंड। वही लाइन सिर्फ आपको उठा के लिखना था, समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंटेशन के कुछ तरीके हैं जो आपको समझने पड़ेंगे दोस्तों। क्या बोला है सर, क्या कंपनी फाइनेंशियली साउंड, आंसर इज यस, अरे यस पता है लेकिन क्यों, वही लाइन को उठाओ सर, बिकॉज कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख से, रिटर्न अर्निंग 50 लाख है, खुद का इतना पैसा है, इसलिए हम फाइनेंशियली साउंड बोल सकते हैं। ओके दूसरा सवाल, एक में से एक डन हो गया। दूसरा, और समझ लो ना, 3 क्वेश्चन क्यों आ रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को है, तो आपको 3 केस स्टडी दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखने, और कितना सिंपल लग रहा है अब तक, कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। दूसरा, कैन द रिटर्न अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, तो आंसर इज अगेन यस,
द मैनेजमेंट ऑफ डोनाल्ड कंपनी कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग टू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर. यस दोस्तों, जब मैंने बोनस का पॉइंट आपको बताया था तो मैंने कहा था कि रिटेन अर्निंग को हम यूज कर सकते हैं बोनस के तौर पर. तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कंपनी के पास अगर रिटेन अर्निंग है, खुद का पैसा है, तो ये चीज याद रखो, दे कैन कन्वर्ट इट इंटू अ कैपिटल. दे कैन कन्वर्ट इट इंटू अ कैपिटल. क्या रिटेन अर्निंग कैपिटल में क्या कन्वर्ट हो सकता है? लेकिन आंसर लिखने का तरीका देखो. अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वापस एक में से एक मार्क्स मिल गया, लेकिन लिखने का तरीका समझा? यस, फुल स्टॉप. द मैनेजमेंट ऑफ डोनाल्ड कंपनी कैन कन्वर्ट वॉट रिटर्न अर्निंग इंटू वॉट परमानेंट शेयर. ओके सर, राइट. सो उसके बाद द सतीश, तो ये दो क्वेश्चन देखे. अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखना है, लेकिन हम लोग एक ब्रेक के बाद ये दो क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.